खबर सीहोर से आ रही है, जहां बुधनी में गरीब मजदूर वर्ग के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन की जमकर कालेबाजारी हो रही है। आपको बता दें कि सरकार उचित मूल्य की दुकानों के सेल्समैन की मिलीभगत से DPDS के राशन की कालाबाजारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बुधनी में कई जगहों पर लोगों ने अपने ठिकाने बना रखे हैं, जहां से गरीबों के लिए आने वाला अनाज खरीदकर इटारसी ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। इस सूचना पर SDM राधेश्याम बघेल ने 3 जगहों पर छापेमारी की और करीब 8 क्विंटल चावल जब्त किया। देखिए, मेरे संज्ञान में ये मामला आपके द्वारा ही लाया गया था। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। और फिर जहाँ जहाँ बताया गया था उन सभी जगहों पे छापा मारा गया और PDS का चावल लगभग 7 से 8 क्विंटल चावल पाया गया, अलग अलग तीन जगहों पर। उस पर जब्त करके पंचनामा बनाया गया और आगामी कार्रवाई के लिए कार्रवाई की जाएगी।